के तराई इलाकों में पानी भरने से ग्रामीणों का बुरा हाल है। बता दें कि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण तराई क्षेत्रों में पानी भर गया है। बारिश से लोग काफी परेशान हैं। ग्राम अगवानपुर की गौशाला में 3 फीट से अधिक पानी भरने से गायों को गौशाला से निकालकर सुरक्षित स्थान पर बांधा गया है। ग्राम नारायणवाला वे माधोवाला के बीच बह रही नदी का जल स्तर बढ़ने से पानी ने अपना रुख गांव की ओर कर लिया था। समय रहते गांव वालों ने पानी के बहाव को किसी तरह रोका और यदि पानी के बहाव को बंद न किया जाता तो बंदर टूट जाता और उसके टूटने से 10 से 15 गांव बाढ़ की चपेट में आ सकते थे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट रोहित कुमार के साथ बिजनौर से। आपकी बात जो ये जो बिंदु चल रहा है इसमें तो कोई किसी की फसल नहीं है या इसमें भी हमारी गलती है? नहीं बताया इनको जो है ये अंधा अंधा जो आता। हम इसमें कहना क्या चाहेंगे, हर वर्ष में ही हम अपनी लखनऊ सरकार तक विभाग को हर बार सूचना देते रहते हैं, समय समय पर सूचना देते हैं कि ये बंदा क्षतिग्रस्त हो चुका और इस पर भाई कोई कार्य कराएं। और ये अधिकारियों संबंधित अधिकारियों द्वारा क्या होता है, थोड़ा बहुत काम करा दिया, कुछ उधर करा दिया, कुछ इधर करा दिया, लेकिन कोई ढंग से काम नहीं हो पाया। लेकिन हमें ये आश्वासन दिया जाता है, झूठा आश्वासन, कि भाई यहाँ पर तो आपके टाइल लगवा देंगे, इसको हाइट बढ़ा देंगे, इसको बिल्कुल बढ़िया कर देंगे, ऐसा करा देंगे वैसा, लेकिन आज तक यहाँ कुछ दोनों ऐसा नहीं हो पाया। थोड़ी बहुत मिट्टी कार्य होता है लेकिन इससे संतुष्टिजनक कोई कार्य नहीं होता। हर बार हमें धोखा दिया जाता है। और ये वो जो बंदा है पूरा यहाँ से लगाकर ये मीरापुर 500 मीटर हाँ 500 मीटर लगभग पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। जगह जगह पर पानी रिसाव हो रहा है और ये लोग हमें गट्टे लगवाने का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गट्टा वहाँ लगाया जाता है जहाँ पर मिट्टी कटाव होता है, यहाँ कोई कटाव नहीं है, यहाँ रिसाव है। लेकिन हमारी ये मांग है कि अंदर पत्थर पेचिंग हो, बंदे की हाइट बढ़ाई जाए और जहाँ पर ये बंदा क्षतिग्रस्त हो चुका उसे दोबारा से ठुकाई करके उस पर और मिट्टी का ढंग से किया जाए। अच्छा, 6-7 जगह इसमें रिसाव भी हो रहा है क्या बात? कई जगह पर रिसाव हो गया। आज एक सुबह का भी वैका है कि काफी गांव के आदमी इकट्ठे हुए कि लड़के सुबह से अंधेरे अंधेरे से अपने फावड़े लेकर यहाँ पर उसको उनके कटाव को हमने बंद करा है। कई जगह पर बिल्लू पड़ गए हैं और पानी आर पार हो गया है। क्या प्रशासन की इसमें कोई लापरवाही या जिम्मेवारी बनती है? प्रशासन द्वारा हमें कोई संतुष्टजनक कोई कभी भी उतर नहीं मिला। सारी लापरवाही हमें हमेशा टरकाया जाता है।